इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 3 कोरोना पॉजिटिव की खबर ने वह बेलगाम वालों के दिल की धड़कन ही तेज कर दी है। शहर की सड़कें सुनी नजर आ रही है तो इंतजामिया भी सख्ती बरतने पर आमादा दिखाई दे रहा है। कई गलियों में लोगों ने अपने आप ही नाकाबंदी कर दिए। जगहों पर ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है कि गोया मोहल्ला गली को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। खासकर चट्टी गली, चवाड़ गली, भड़कल गली, शाहपुर, अनगोल, शहर का कुछ अंदरूनी इलाका दरख्तों को काट कर सड़क पर फेंक दिया गया, रास्तों को बंद कर दिया गया है। फिर बाद में पुलिस ने कुछ जगहों में रुकावटों को हटाया गया। कोरोना टेस्ट के तकरीबन अफराद नेगेटिव पाए गए। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ जगहों पर इन्हें रखने का काम जारी है, पर आवाम की जानिब से एतराजात का भी सामना इंतजामिया को करना पड़ रहा है। कल तकरीबन 24 अफरादों को डिस्चार्ज किया गया था। DC ने मंडोली के मोरारजी हॉस्टल में रखने का हुक्म दिया था, पर गांव वालों ने इन्हें अंदर आने से मना किया, तो इन्हें अंजुमन इमारत में रखने का फैसला लिया गया। मंडोली गांव के लोग सड़क पर उतर आए और इन्हें हॉस्टल में रखने पर एतराज किया। आखिर पुलिस को गांव वालों की जिद पर तमाम अपराधों को अंजुमन इमारत में लाकर रखना पड़ा। आज फिर इस तरह का एक और मामला सामने आया खड़े बाजार के लॉजिंग में, जब नेगेटिव अपराधों को जेर निगरानी रखने के लिए इन्हें लाया गया तो यहाँ के आवाम ने पुलिस अफसरान को सवाल किया कि आवाम का कहना यह था कि जब हुकूमत की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि रेल बुगीज या बड़े आलीशान अस्पताल या आलीशान होटल जिनके मालिक रियासत के वजीर हैं, गौर करने की बात है कि बेलगाम में ऐसे बड़े बड़े होटल हैं जिनके मालिक रियासत के वजीर हैं, वहाँ क्यों नहीं रखा गया? यह आवाम का सवाल था, ताकि बेहतर इलाज हो सके। खड़े बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ इन होटलों की दीवारें घरों से मिली हुई हैं, ऐसी घनी आबादी वाले इलाकों में उन लोगों को लाना, भले ही वह कोरोना मरीज नहीं है, पर एक खौफ का माहौल रहेगा। लिहाजा किसी हाल में यहाँ ना रखे और इन्हें बड़े बड़े होटलों में या बड़े प्राइवेट अस्पतालों में रखने की जहमत उठाए, ऐसी गुजारिश अवाम की जानिब से बार बार की जा रही थी। पुलिस अफसरों का कहना यह था कि यह हुकूमत का फैसला है, DC का ऑर्डर है, लिहाजा DC का फैसला है कि खड़े बाजार के तकरीबन 6 लॉजिस में इन नेगेटिव अफरादों को रखा जाए, जिसमें कुछ खवातीन भी हैं। ACP नारायण बर्मनी साहब ने आवाम को समझाया कि यह कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि जमात में जाकर लौटे अफराद हैं। ये भी वाजह रहे कि सिर्फ जमात ही का नाम बार बार न लिया जाए, क्योंकि सिर्फ जमात के ही लोग नेगेटिव या तो पॉजिटिव पाए गए, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर बेलगाम और जिला के अंदर एक बड़ी तादाद है जिसमें से कुछ अफराद जमात से जुड़े हुए हो सकते हैं। ACP नारायण बर्मनी साहब ने कहा कि इन लोगों से आप नफरत ना करें। काफ़ी देर तक लोगों ने सड़क पर एहतजाज किया। कोतवाल गली, खड़े बाजार, बुखारी गली की खवातीन का भी यही कहना था कि हमें मालूम है कि नेगेटिव हैं, पर आप लोगों ने ही तो मीडिया के जरिए इस कदर खौफ दिलाया है कि हमें कैसे इत्मीनान से रखे। वाकई आवाम का सवाल भी वाजिब है कि जब बेलगाम ही से रेल मंत्री हैं, धारवाड़ हुबली में रेल या तो आलीशान होटलों में जो गांव से दूर है वहाँ इनको निगरानी में रखा गया है और रखा जा रहा है, फिर बेलगाम ही में ऐसा क्यों के घनी आबादी वाली इलाकों में रखने की जिद इंतजामिया कर रही है? हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ जमात के लोगों ने और मोहल्ले के जिम्मेदार अफरादों ने इंसानियत का पैगाम देते हुए और सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए तमाम को रिहाइश की इजाज़त दी है। खड़े बाजार, कोतवाल गली, बुखारी गली, काकर गली वालों ने यकीनन बेहतरीन पैगाम दिया है और यह बताया कि इंसान तभी मुकम्मल होता है जब वह इंसानियत का पैगाम देता है। यकीनन इसके लिए उस तरह की तरबियत भी होनी पड़ती है और यह तरबियत सभी को नहीं मिलती, इतना यकीन है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जिसको वो टेस्टिंग के टेस्ट में नेगेटिव आता है, जिसको वायरस इफेक्ट नहीं है करके कन्फर्म हो जाता ना, वो लोगों को और एक हफ्ता ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता। कैसे ऑब्जर्वेशन में रखने का? एक एक आदमी को एक एक रूम पे रखने का, उधर ही टॉयलेट, उधर ही बाथरूम बनाने का, उधर ही खाना पीना पिलाने पहुंचाने का, उधर ही रहने का। ऐसे लोगों को अंजुमन हॉल में कुछ रखा सो है, कुछ लॉजेस में रखा सो है, ये पाई रिसोर्ट में और उत्सव लॉज में, तुम्हारा गली में, इनका गली में ही करके नहीं, ये लोग कुछ बुरा नहीं किया,
कुछ गुना नहीं किए, जमात को आए जाके आए लोग, एक से एक दूसरा को कांटेक्ट होके कुछ लोगों को ये हो गया गली गली होगी मैं अक्के बेले मैं सामाजिक कड़कण इतवे नमेंगे सरकार के अथवा जिला निम्हे हाँ मंत उद्देश्य मत जस्ट वाच मे ಹೌದಾ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಏನೋ ನಿಲ್ಲದು ಏನೋ ಡೇಂಜರ್ ಇವತ್ತು ದೂರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯುಕೆ 27 ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಸನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಆ ಮಿಲನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈ ಇಫಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈ ಇಫಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಯಾ ಹಮಾರೆ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ನನ್ನೆ ನನ್ನೆ ಲುಗಾ ಹೈ ಜಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ಕಿನ್ನೆ ವಾಲೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಬಜಾರ್ ಕಾ ಏರಿಯಾ ಪಿಚ್ಚೆ ಘರ ಹೈ ಸಾಮ್ನೆ ಹೋಟ್ಲ ಹೈ ತು ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕರೋ ಐಸಾ ಕ್ಯಾ ಐಸಾ ಚಲ್ನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಔರ್ ಹಮೇ ಯಹಾಂ ರಖ್ನೆ ಜೀನೆ ವಾಲೆ